दोस्तों फिलहाल अगर किसी फिल्म की सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं, अगर किसी फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा माहौल गर्म है तो वो है बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन। क्योंकि फिलहाल सिंघम अगेन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है और सारी दुनिया के सिनेमाघर इस फिल्म ने हाउसफुल कर रखे हैं। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फिल्म ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, यूके हर जगह से अच्छा कलेक्शन बटोर रही है। दोस्तों कल फिल्म का फर्स्ट डे था और फिल्म ने अपने फर्स्ट डे पर जो कारनामा किया था, जो बड़ा रिकॉर्ड बनाया था वो तो बनाया ही था, लेकिन आज अपने दूसरे दिन जो ये फिल्म इतिहास रच रही है वो वाकई शानदार और काबिले तारीफ है। क्योंकि आज दूसरे दिन फिल्म के पूरी तरह से सारे के सारे शोज हाउसफुल नजर आ रहे। दोस्तों कल दिवाली का दिन था, सबसे बड़ा छुट्टी का दिन था और सिंघम अगेन ने इसका भरपूर फायदा उठाया और फिल्म ने वो कमाई कर डाली जो शायद कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन आज दूसरा दिन उससे भी ज्यादा बेहतर है। तो फिलहाल आज फिल्म का दूसरा दिन है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिंघम अगेन अपने फर्स्ट डे पर इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही थी। वहीं फिल्म का आज दूसरा दिन है तो यह फिल्म आज दूसरे दिन कितनी कमाई करने वाली है और फिल्म की जो दो दिनों की टोटल कमाई है वो कितनी हो जाएगी, सारी बातें इस वीडियो में आपके साथ करूंगा। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सिंघम अगेन जिसने फिलहाल दुनिया भर के सिनेमाघर हाउसफुल कर रखे हैं। और दोस्तों ये मुझे पहले से ही पता था, जब एडवांस बुकिंग शुरू हुई थी, जब फिल्म का ट्रेलर आया था तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये फिल्म अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है। लेकिन कुछ हेटर्स थे, कुछ फ्लॉप बोलने वाले थे, उन सभी की तो पूरी तरह से बोलती बंद कर दी है सिंघम अगेन ने। दोस्तों सिंघम अगेन जो कि एक हिंदी लैंग्वेज की बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी है, जिसके ऊपर रोहित शेट्टी और अजय देवगन ने बहुत ज्यादा मेहनत की है और अजय देवगन के फैंस और दुनिया भर के फैंस इस फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और अब जब यह इंतजार खत्म हो चुका है तो फिल्म ने दुनिया भर के सिनेमाघर हाउसफुल कर रखे हैं। फिल्म को प्रोड्यूस किया है रोहित शेट्टी, अजय देवगन और ज्योति देशपांडे ने और फिल्म में आपके और मेरे सभी चहेते सुपरस्टार इस फिल्म में है। अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर, जैकी श्रॉफ और साथ ही साथ एक छोटा सा स्पेशल कैमियो सलमान खान का भी, जिसने फिल्म में चार चांद लगाए। फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल हम बात करेंगे कि फिल्म का आज दूसरा दिन कैसा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि कल दिवाली का दिन था, पूरी तरह से छुट्टी का दिन था, यानी कि यह सबसे बड़ी छुट्टी का दिन था। अब यहां पे मैं आपको बताऊं कल इसका पूरा फायदा फिल्म ने उठाया था तो फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी स्टार्ट हुई थी कल फर्स्ट डे पर वो 39% से स्टार्ट हुई थी। लेकिन आज फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी है, अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई में आज 42% की, ये मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी की मैं बात कर रहा हूं, 42% की। इसके अलावा फिल्म के पास अभी भी 1054 शोज है, यानी कि फिल्म के पास और ज्यादा शोज अभी इंक्रीज हुए हैं। हालांकि थोड़े बहुत शोज कम भी हुए हैं लेकिन कहीं ना कहीं 42% की ऑक्यूपेंसी बहुत बेहतर और बेहतरीन है। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो ये दूसरे दिन की मैं बात कर रहा हूं आज की, ताकि आपको ये पता चले कि भैया कौन से शहर में फिल्म कितनी हाउसफुल चल रही है और कितनी खाली है। दिल्ली एनसीआर के अंदर 21% की ऑक्यूपेंसी है, फिल्म के पास 1266 शोज है। इसके अलावा पुणे की अगर बात करें तो यहां पे 37% की ऑक्यूपेंसी है, फिल्म के पास 453 शोज है। बेंगलुरु में 24% की ऑक्यूपेंसी है, फिल्म के पास 345 शोज है। हैदराबाद की अगर बात करें तो यहां पे भी 13% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी है, फिल्म के पास 251 शोज है। कोलकाता में 12% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी है, फिल्म के पास 321 शोज है। अहमदाबाद में 23% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी है, फिल्म के पास 750 शोज है। चेन्नई के अंदर 14% की ऑक्यूपेंसी है, सूरत के अंदर 19% की, जयपुर के अंदर 58, यानी कि जयपुर के अंदर आज भी फिल्म ने पूरा धमाल मचा रखा है, यानी कि पूरी के पूरे सारे शोज हाउसफुल जाने वाले हैं। चंडीगढ़ में 15% की ऑक्यूपेंसी, भोपाल के अंदर 11% की और लखनऊ के अंदर 28% की। तो यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिल्म ने आज मॉर्निंग से ही पूरे इंडिया से लगभग 27% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी के साथ शुरुआत की है, जो कि मैं कहूंगा एक बेहतरीन ऑक्यूपेंसी, यानी कि फिल्म का आज दूसरा दिन भी शानदार और बेहतरीन और शानदार जाने वाला है। फिलहाल मैं आपको बताऊं सबसे पहले तो कि फिल्म का जो फर्स्ट डे कलेक्शन था वो इंडिया के अंदर 46 करोड़ 50 लाख रुपए था
और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग थी। इसके अलावा फिल्म का जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन था वो लगभग 55 करोड़ रुपए के आसपास था। फिल्म ने ओवरसीज से अपने पहले ही दिन कम से कम 20 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई की और फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा वो 75 करोड़ रुपए का रहा। हालांकि आपको एक ये बात याद रहे कि जो ओवरसीज का कलेक्शन मैंने आपको बताया है 20 करोड़ रुपए का, ये ऑफिशियल नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो सकती है, थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं दूसरे दिन की बात करूँ तो दोस्तों फिल्म का आज दूसरा दिन बहुत ही शानदार जाने वाला है क्योंकि मैंने जैसे कि ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट पूरी तरह से आपको दी है, आज 27% की ऑक्यूपेंसी के साथ मॉर्निंग से ही फिल्म ने शुरुआत की है। तो आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट के जो शोज रहेंगे वो ज़्यादातर हाउसफुल रहेंगे क्योंकि आज भी छुट्टी का दिन है। हालांकि जो इवनिंग और नाइट में उसमें तो कम से कम मेरे ख्याल से 70-80% की ऑक्यूपेंसी 100% रहने वाली है। तो फिल्म आज अपने दूसरे दिन भी कम से कम 34-35 करोड़ रुपए इंडिया से नेट कर रही है। जहां दोस्तों दूसरे दिन का जो कलेक्शन है आज इंडिया का वो कम से कम 34-35 करोड़ रुपए तक जाएगा। तो फिल्म की जो दो दिनों की टोटल कमाई है वो 80 करोड़ रुपए के आसपास इंडिया से नेट हो जाएगी। तो वहीं फिल्म की जो वर्ल्ड वाइड कमाई है वो कम से कम 115 करोड़ रुपए हो जाएगी। जहां दोस्तों ये सिंघम अगेन की दो दिनों की कमाई मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि सुबह का जो वीडियो था उसमें मैंने थोड़ा सा आपको ज्यादा करके ही बताया था, लेकिन अभी यहां पे मैं आपको बताऊं क्योंकि फिलहाल फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी है वो कल से कम है, लेकिन आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट के जो शोज रहेंगे वो ज्यादातर हाउसफुल रहेंगे। तो कम से कम 34-35 करोड़ रुपए तो आज ये फिल्म करेगी। तो इंडिया में कम से कम 80 करोड़ रुपए के आसपास हो जाएगा, वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड में कम से कम 115 करोड़ रुपए तक की कमाई आज ये कर जाएगी। लेकिन दोस्तों फिर भी आपको कैसी लगी फिल्म सिंघम अगेन कमेंट में जरूर बताइएगा।